नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में, जहां पर 8वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, साथ ही उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह जी ने भी यहाँ पर शिरकत की है। इसके साथ ही जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित किया गया है, क्योंकि हर साल उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता है। आज बहुत सारे बच्चों को उपाधियाँ दी जाएंगी, उनको डिग्रियाँ दी जाएंगी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ तक का सफर उनका कैसा रहा है। सचमुच आज बहुत ही खुशी हुई कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन में आकर आज ऐसा एहसास हुआ कि ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट और डिस्टेंस लर्निंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ऊंचे दर्जे पर लेकर गए हैं। आज सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि 15,417 हमारे छात्र छात्राओं को आज उपाधि मिली है। आज उनको गोल्ड मेडल PhD से अवार्ड भी दिया है और आज एक बार फिर अत्यंत खुशी मिली है कि आज हमारी बेटियों ने फिर अपना नंबर मारा है। उनकी जो सफलता है उससे बहुत ही खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है आज इन सबको मिलकर कि हमारी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है, उसको उससे किस प्रकार से हमारी शिक्षा, हमारे स्किल और हम किस प्रकार से अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज एक हम सब ने मिलकर संकल्प लिया कि हम एक्चुअली हमारी जो डीपर लर्निंग है, रिसर्च है, अनुसंधान है, उसकी यात्रा शुरू होती है। सच कहूँ तो कोविड महामारी के बाद में ऑनलाइन और ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस लर्निंग का महत्व समझ में आया है और मुझे ऐसा लगता है अपने सब छात्र छात्राओं और शिक्षक गण से वार्तालाप करके कि वी हैव अंडरस्टूड द डीपर अपॉर्चुनिटी जो हमको ये सिस्टम देता है। आज एक और संकल्प लिया कि किस प्रकार हम 2047 को मद्देनज़र रख के विकसित भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने के लिए और विश्व गुरु के स्थल जो विच एक्चुअली बिलोंग्स टू अस, उसके लिए किस प्रकार से मेहनत और स्पेशली विद्या, ज्ञान और रिसर्च की तरफ बढ़ सकते हैं। और रिसर्च में एक और ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि ये जो हमारे पास में अवसर है, इससे हम किस प्रकार से अंत्योदय जो हमारी महिलाएं हैं जो दूर दराज इलाके में रहती हैं, हमारे जो सैनिक हैं, वेटरन्स हैं और जो लोग अपने बिजनेस के अंदर में बिजी हैं, जो नौकरी करते हैं, कामकाजी हैं, उनके लिए एजुकेशन किस प्रकार की जा सकती है। इकट्ठे रियलाइजेशन हुआ कि लर्निंग तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ऐसा लगा कि हम सबके ऊपर में एक जिम्मेवारी है कि किस प्रकार भारत की सभ्यता संस्कृति को हम एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर अपने स्पेशली उत्तराखंड के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी से कहा था कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड, तो ऐसा लगता है कि हमारी बहुत जिम्मेवारी है कि किस प्रकार हम शिक्षा की तरफ, विद्या की तरफ, ज्ञान की तरफ जाएं और ये ओपन यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट को, डिस्टेंस लर्निंग कॉन्सेप्ट को के अवसर को इस्तेमाल करते हुए हम अपने पूरे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और जनहित में कार्य करें। ये साल समाप्ति की ओर है, नया साल आने वाला है, क्या चुनौतियाँ, क्या लक्ष्य देखते हैं उत्तराखंड की तरफ? बहुत सुंदर सवाल आपने किया है और मुझे ऐसा लगता है कि आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। ये सवाल वही पूछ सकता है जो लक्ष्य के ऊपर में अपनी नज़र रखता है। मैं सच कहूँ तो 2023 ने जो हमको दिया, वही हमारा स्टार्ट पॉइंट है। आपने देखा कि किस प्रकार G20 की 3 मीटिंग्स हुई और हमारा लोकल को किस प्रकार ग्लोबल ने पहचाना है। उसके बाद में वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, उससे पहले जो सिलकेरा टनल का चैलेंज था, उसको किस प्रकार सफलतापूर्ण
सबने मिलकर, पूरी लीडरशिप ने मिलकर पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है। आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जितनी भी एजेंसी थी, जितने भी ऑप्शन थे, उन सबको इस्तेमाल करके किस प्रकार से एक सक्सेस की। और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो उत्तराखंड की थी 2023 के अंदर में, वो थी कि किस प्रकार अपने मार्ग को बदला है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट की तरफ बढ़े हैं। तो अगर आप इनको देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि 2024 में और आने वाले जितने भी साल हैं और 2047 तक पहुँचते, हमारा प्रदेश, हमारे हर एक उत्तराखंडी और हर एक भारतीय उस लक्ष्य के लिए एकदम तैयार है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी। सर, आज दीक्षांत समारोह में आपने शिरकत किया, 8वां दीक्षांत समारोह है, क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, हमारा जो ओपन विश्वविद्यालय है उसका 8वां दीक्षांत समारोह था। 15,000 से ज़्यादा बच्चों को डिग्री दी गई है और हमारा विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस समय नैक में भी वो भी प्लस ग्रेड आया है और मैं कह सकता हूँ कि अब भारतवर्ष में जितने टॉप विश्वविद्यालय हैं उसमें से हमारा ओपन विश्वविद्यालय भी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर प्रमोद अग्रवाल जी, जो आज यहाँ पर राज्यपाल की ओर से जिनको सम्मानित किया गया है, इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि जिस तरह से आज राज्यपाल की ओर से आपको सम्मानित किया गया है, सर कैसा लग रहा है? सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी तवन्नत थी हमारी। सम्मान हर व्यक्ति, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको अच्छा लगता है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को हमने अपने दादा दादी माता पिता की स्मृति में 3 स्वर्ण पदक विद्यालय को प्रायोजित किए हैं। उस उपलक्ष्य में आज हमारे महामहिम राज्यपाल द्वारा मुझे डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल गोल्डे को सम्मानित किया गया, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे द्वारा 3 मेधावियों को हर साल स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। तो सर, जिस तरह से आपने इस साल 3 स्वर्ण पदक दिए हैं, क्या हर साल दिए जाते हैं? हर साल दिए जाते हैं, हर साल हम जो है इसके लिए संबंधित यूनिवर्सिटी को धनराशि देते हैं, उसके आधार पर 3 गोल्ड मेडल हर साल दिए जाते हैं। तो इसके पीछे का मोटिव है आपका? मोटिव यह है कि जो है, जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ाई में आगे रहते हैं, उनको प्रोत्साहन मिले। और हमारी देखा थे कि जैसे हमने 3 पदक प्रायोजित किए हैं, हमारे समाज के अन्य संपन्न लोग भी इस प्रकार आगे आए और मेधावी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिले। नमस्कार सर। नमस्ते, आपका नाम? राजीव सिंबल। आज PhD में आपको डिग्री यहाँ पे दी गई है राज्यपाल की ओर से, सबसे पहले इसका एक्सपीरियंस बताइए और जो आपका टॉपिक था उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैम, एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि दिल्ली से इधर PhD एनरोल हुए थे 2019 में, और जो टॉपिक था वो बेसिकली था स्टडी ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ टूरिस्ट स्टेइंग इन रूरल होमस्टेज ऑफ उत्तराखंड। जो रूरल होमस्टे में टूरिस्ट रुकते हैं, उनकी सेटिस्फैक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनकी स्टडी थी मैम। तो क्या कुछ आपको कंक्लूजन जो था वो निकल कर आया? मैम, कंक्लूजन मेजरली यही था कि जो टूरिस्ट रूरल होमस्टेज में रुकते हैं, ग्रामीण में, उनका बेसिकली मेजर ऑब्जेक्टिव वो रहता है कि बिल्डिंग एक तो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर हो, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ हो, इक्विपमेंट ट्रेडिशनल हो, उनका डेली रूरल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट, वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। सफाई मेजर फैक्टर है, ट्रेडिशनल खाना हो। इसके अलावा वो जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या थी, जैसे मकान कितना पुराना था, गांव कितना पुराना था, कब शुरू हुआ। और इसके अलावा एक और है मैम, जैसे कि अभी शहरों में क्या है, न्यूक्लियस फैमिली हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, तो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले वो चले गए हैं शहर, उसके बाद उनको ये तक नहीं पता कि गाँव किधर है। तो इस चीज़ में क्या है, जब वो गाँव में आते हैं तो एक इमोशनल टूरिज़म टाइप भी है, जिससे वो अपने आप को अटैच कर पाते हैं उस गाँव से, उस जगह से, कि यानी कि अब, यानी कि अगर हमारा गांव होता तो कैसे होता, तो उस चीज़ का मैम मेजर वो है। सर्वे किस तरह से किया गया आपकी तरफ से? मैम, सर्वे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करा था, टूल डेवलप करा था, उसको फिर स्टैंडर्डाइज करा था। तो सर्वे कुछ ऑनलाइन हुआ है, बाकी कुछ ऑफलाइन हुआ है, यानी कि मिक्स तरीके से सर्वे कराया उन्होंने, क्योंकि टूरिस्ट का क्या था, अब टूरिस्ट होमस्टे में कब जाएगा, इतने सारे होमस्टे हैं, सब जगह आप फिजिकली अवेलेबल नहीं हो सकते, तो इस वजह से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करा गया था। थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बालम सिंह दफूटी जी, जिनको आज राज्यपाल की ओर से सम्मानित किया गया है, PhD की डिग्री आज इनको यहाँ पर दी गई है। पूछते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है और आज जब फाइनली जो इनको PhD की डिग्री मिल गई है, कैसा लग रहा है? सर, बहुत बहुत स्वागत है JJN में। धन्यवाद। जिस तरह से आज राज्यपाल की ओर से आपको डिग्री दी गई है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये बताइए, आज जो है कि बहुत हर्ष का, मेरे लिए बहुत ही हर्ष का दिन है और बहुत अच्छा दिन है। राज्यपाल महोदय के द्वारा डिग्री दी गई है और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और
अगर मैं पीएचडी की बात करूँ तो आपने किस स्ट्रीम में पीएचडी की है? मैं कंप्यूटर विज्ञान विषय का शोध का छात्र हूँ। मैंने कंप्यूटर विज्ञान विषय में शोध कार्य किया है। मेरा जो टॉपिक है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर है। इसमें बेसिकली हमने जो है कि प्री एंड पोस्ट सर्वे करवाया है। प्री एंड पोस्ट सर्वे के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण फैक्टर आए हैं उन फैक्टर को हमने अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन किया है, और जिससे कि हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है बहुत ही इन्हेंस हुआ है, ऑप्टिमाइज हुआ है। और जो हमारे रिमोट एरियाज़ में जो छात्र हैं, फार फ्लंग एरिया में जो छात्र रह रहे हैं, उनको बहुत आसानी होगी यह शिक्षण सामग्री को डाउनलोड करने में और एक्सेस करने में। साथ ही जो हमारे वीडियो लेक्चर्स भी हैं उन वीडियो लेक्चर को भी एक्सेस करने में भी बहुत आसानी होगी। तो जिस तरह से सर्वे आप लोगों की ओर से किया गया था तो फील्ड में कितनी दिक्कतें आई थी? हमने ऑनलाइन सर्वे किया था। ऑनलाइन सर्वे के दौरान ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आई थी, क्योंकि हमने सर्वे जो है हमने अपने पोर्टल पर लगा दिया था, आसानी से सर्वे मिल गए थे हमें। हाय मैम। हेलो, आपका नाम? मीनाक्षी भाटिया। मैम, जिस तरह से आज राज्यपाल की ओर से आपको सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है और किस चीज़ में आज आपको सम्मानित किया? सर्वप्रथम ये कि मुझे मेरे पाठ्यक्रम एमकॉम में सर्वश्रेष्ठ अंक पाने के लिए सम्मान प्राप्त हुआ है, और जिस तरह से सम्मान प्राप्त हुआ है यह ना ही सिर्फ मेरे लिए बल्कि सभी के लिए एक हर्षोल्लास का और एक बहुत ही एक मोटिवेशनल मोमेंट है, जो हमें जीवन में आगे भी बहुत अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। तो मैम, जिस तरह से एमकॉम की डिग्री आज आपको मिल गई है, आगे के क्या प्लान है? फिलहाल एमकॉम की डिग्री, क्योंकि मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से भी इसीलिए किया, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो इसके साथ ही तैयारी जारी है। अच्छा, तो आज जैसे आपके साथ साथ और लोगों को भी मिला है, तो अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरी सफलता का श्रेय मेनली दो लोगों को देना चाहूँगी, मेरी मम्मी को और मेरी बहन को, बड़ी बहन को। उनको मेरी सफलता का पूर्णतः श्रेय जाता है, और मेरे जो गुरुजन हैं उनको मैं अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूँगी। तो एमकॉम में डिफ़िकल्टीज़ कितनी आई अगर मैं बात करूँ कि डिग्री तक पहुँचने के लिए? जी नहीं, ऐसी कोई खास डिफ़िकल्टीज़ मुझे नहीं लगी। पढ़ाई तो, क्योंकि कोर्स जो भी आप जिस भी कोर्स में इनरोलमेंट है पढ़ना तो है, तो अगर आप उसको रोज़ाना 3 से 4 घंटे भी देंगे तो भी हो जाएगा आसानी से, ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी हमको। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? हिमांशु गुप्ता। जैसे हिमांशु, आज आपको दो दो डिग्रियां मैं देख रही हूँ यहाँ पे मिली हुई हैं। डिग्री एक ही है, मेडल्स दो हैं। दो मेडल्स हैं, इसके बारे में बताइए कि दो मेडल किस चीज़ के हैं और डिग्री आपकी? वन इज़ फॉर एमएससी केमिस्ट्री एंड वन इज़ फॉर इन ऑल कोर्सेज आई हैव गेन हाईएस्ट मार्क्स। तो एक एमएससी केमिस्ट्री का मेडल, एक सब कोर्सेज का मेडल है। अच्छा, और डिग्री आपको किस चीज़ की मिली है? एमएससी केमिस्ट्री। एमएससी केमिस्ट्री में, तो जैसे बीएससी एमएससी अगर मैं बोलूँ तो बच्चे जो है अमूमन इसे हार्ड मानते हैं, तो सच्ची में बीएससी एमएससी हार्ड होती है या फिर इजी? अगर हम बेसिक से स्कूल टाइम से ठीक से पढ़ें तो आगे हार्ड कुछ नहीं होता, तो बेसिक अच्छा हो तो फिर आगे सही रहता है। तो राज्यपाल की ओर से आपको सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई वुड लाइक टू थैंक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वो बच्चों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देते हैं और वो कुछ कर पाते हैं। तो अब आगे के क्या प्लान्स हैं? फिलहाल मैं टीचिंग में हूँ केंद्रीय विद्यालय में। उत्तराखंड में? नहीं, मैं दिल्ली द्वारका में सेक्टर 5 में टीचर हूँ, टीजीटी साइंस। उससे पहले मैं रानीखेत में था, 4 साल मैंने रानीखेत में किया, अभी ट्रांसफर मेरा दिल्ली द्वारका। तो जैसे आपने पहाड़ में भी काम करा है एज अ टीचर और आप दिल्ली में कर रहे हैं, तो दोनों में अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ तो क्या डिफरेंस आपने देखे? डिफरेंसेस कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो भी इंडिया है, ये भी इंडिया है, वही चीज़ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड के स्कूलों में भी, केंद्रीय विद्यालयों में, सभी में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। केंद्रीय विद्यालय सब कुछ प्रोवाइड करता है, हर जगह प्रोवाइड, मतलब जो सरकार काम कर रही है अच्छा कर रही है। जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमल सिंह हथौड़ी जी, जिनको आज राज्यपाल की ओर से पीएचडी की डिग्री दी गई है। सर, कैसा लग रहा है आज पीएचडी जो है आपकी कंप्लीट हो गई है? निस्संदेह मैडम, ये बहुत खुशी का विषय है, और इस अवसर को जीवन में एक बार मिलता है, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस बधाई देने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। थैंक यू वेरी मच। अगर मैं आपके टॉपिक की बात करूँ तो आपका टॉपिक क्या था? मैडम, मैं बेसिकली डाइट चंपावत में कार्यरत हूँ वर्तमान में, और जैसा कि मेरा खुद का क्षेत्र है शिक्षक शिक्षा, यानी अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन में काम करता हूँ। तो मैंने विगत बहुत लंबे समय से ये महसूस किया है कि जो भारत की परंपरा
परंपरागत शिक्षक शिक्षा है वो अभी नए कलेवर में पूरी तरह से फिट नहीं हो पाई है। अभी रिसेंटली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉन्च हुई थी, उसमें तमाम ऐसे प्रावधान हैं जो शिक्षा के परंपरागत स्वरूप नया स्वरूप दे सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से दे सकते हैं, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो कुछ तय नहीं है। तो मैंने इस ज्वलंत मुद्दे को अपने शोध में लिया है और निश्चित रूप से इसमें काफ़ी ऐसी फाइंडिंग्स आई हैं जिनको लेके हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उस एस्पेक्ट्स को टीचर एजुकेशन में सम्मिलित कर सकते हैं और जो वास्तविक फायदा होगा हमारी नई पीढ़ी को वो मेरे शोध उसमें अवश्य मदद करेंगे। तो जिस तरह से आपने बोला कि चंपावत में आप कार्यरत हैं, वहाँ पर अगर मैं शिक्षा की बात करूँ और प्लेन्स में अगर मैं शिक्षा की बात करूँ, डिफरेंस करना है? जो मेजर डिफरेंस है वो प्राइवेटाइजेशन का है। जो हमारे भौगोलिक परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में आज प्राइवेटाइजेशन अग्रसर है, लेकिन उतना नहीं है जितना प्लेन्स में। और सबसे पहले विभाग को ये तय करना पड़ेगा कि प्राइवेटाइजेशन के जो नॉर्म्स हैं वो कम से कम इस बराबरी में हों कि उनको राजकीय ता के बराबर दर्जा मिले। जब आप राजकीय और प्राइवेटाइजेशन में भेद कम से कम करेंगे तब जाके हम शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन देखने में ऐसा नहीं आ रहा है। प्राइवेटाइजेशन का जो सेक्टर है वो पूर्णतः फल रहा है, पोषित हो रहा है, और उसी प्रकार से जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है वो नीचे गिर रहा है। इसमें हम अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार के शोध को बढ़ावा मिले और आगे आने वाले हर शोधकर्ता को इस दिशा में सोचना चाहिए। नमस्कार। नमस्ते। आपका नाम? अभिषेक मिश्र। आज आपको डिग्री, आपको फाइनली आज आपको मिल गई है राज्यपाल की ओर से, किस चीज की डिग्री मिली है सबसे पहले? मुझे बीएड की डिग्री मिली। बीएड की डिग्री मिली है। आगे का क्या प्लान है? मैं शिक्षा से ही जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षा में ही आगे जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कार्य करना चाहता हूँ बच्चों के लिए और अच्छे से अच्छा जितना मुझसे हो सके माँ सरस्वती की कृपा से। आज आपको जो डिग्री मिली है श्रेय किसको देंगे? श्रेय में सबसे पहले अपने गुरुओं को दूंगा, माँ सरस्वती और गुरुओं को ही दिया जाएगा इसके श्रेय तो, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से मैं यहाँ तक आगे पढ़ पाया हूँ और उन्होंने मुझे अच्छा हर समय सहयोग किया है शिक्षा में, जहाँ पे मुझे समस्या आई है तो उन्हीं को देना चाहूँगा और अपने परिवार को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जैसे आपने कहा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर मैं उत्तराखंड में शिक्षा की बात करूँ तो कहाँ देख रहे हैं अभी उत्तराखंड में शिक्षा को? जैसे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, उत्तराखंड में शिक्षा का स्तर बढ़ा ही है, देश में हमारा राज्य शिक्षा के स्तर में, शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम ऊंचे ही पायदान में आता है, तो फिर भी हमारी साक्षरता उनका जिस हिसाब से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम अपने हमारे अपने 2024 या 25 तक हम अपने राज्य को पूर्ण साक्षर बनाने का हमारा एक लक्ष्य है, तो मैं उम्मीद करूंगा और अपनी तरफ से भी मैं प्रयास करूंगा कि मैं भी इस क्षेत्र में अपना थोड़ा सा योगदान दे सकूं और मैं भी यही चाहूंगा कि 2024 से 25 तक हमारा राज्य पूर्ण साक्षर होकर देश में अग्रणी रूप से शिक्षा के क्षेत्र में रहे। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम धामी यहाँ पे पहुंचे हुए थे, साथ ही राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने भी यहाँ पे शिरकत की, साथ ही शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे जिनसे हमने बात करी, साथ ही जिन बच्चों को आज यहाँ पे उपाधि दी गई है उनसे भी हमने बात करी और उन्होंने अपने विचार आज जेजेएन के सामने रखे। तो ये थी जेजेएन की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा, अपनी सहयोगी पल्लवी के साथ जेजेएन न्यूज हल्द्वानी। नमस्कार।